नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। अखिल भारतीय निषाद माझी महासभा सागर जिले का परिचय एवं सम्मान समारोह सागर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र माझी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। वही कार्यक्रम में संगठन के जबलपुर इकाई और सागर जिले के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में वीरांगना फूलन देवी की शहादत पर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई है। राष्ट्रीय सचिव मुकेश रेखवार गढ़ाकोटा व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मनोज रेखवार के नेतृत्व में सागर जिले के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र माझी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया है। संगठन के सागर जिले के नवगठित इकाई के पदाधिकारियों का परिचय भी हुआ। नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र माझी ने कहा, समाज के सभी पदाधिकारियों को जो दायित्व सौंपे गए हैं, मुझे आशा है कि हम सभी समाज के हित में निरंतर काम करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि कभी पीछे मुड़कर मत देखो, किसी दूसरे की और मत देखो, ताकि जब भी दूसरा कार्य करेगा तब मैं अपना कार्य करूंगा। आप निरंतर अपना कार्य करते जाओ, दूसरा आपके पीछे आता जाएगा। अगर आप दूसरे का इंतजार करेंगे तो वह ना आपको काम करने देगा ना खुद करेगा। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो। बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए सुरेश रेखवार की रिपोर्ट। आज हमारा अखिल भारतीय निषाद माझी महासभा का जिला स्तरीय आयोजन हुआ था, सागर सरोज पैलेस में हुआ है। और इस आयोजन का सिर्फ एक ही तात्पर्य था कि हमारे जो अखिल भारतीय निषाद माझी सभा के सदस्य हैं, वो उनका एक दूसरे से परिचय हो जाए और उन सभी का सम्मान समारोह था। और हमारी माझी समाज की बहुत ही वीरांगना जो लगभग विश्व में चौथे नंबर पर क्रांतिकारी थी, उनका शहीद दिवस था। तो 2 मिनट का श्रद्धांजलि समारोह था और हमारे सभी पदाधिकारियों का सम्मान समारोह था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।